तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि जो ब्रॉयलर पोल्ट्री में ड्रिंकर यूज़ किए जाते हैं, तो उन ड्रिंकर की रेगुलरली आपको है जो साफ़ सफाई करनी होती है, क्योंकि ये मैनुअल ड्रिंकर और जो ये जो आप देख रहे हैं बेल टाइप ड्रिंकर है, ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो कम से कम जो है 2 से लेकर 3 दिन के बाद इनकी जो है साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी बन जाती है। तो यदि आप डेली कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप पोल्ट्री में अपना मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो बर्ड आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। तो बात कर लेता हूँ फ्रेंड बेल टाइप ड्रिंकर की, क्योंकि मेरे फार्म में वही इंस्टॉल है। तो जब जो बर्ड है इधर उधर घूमता है शेड में, मडराता है, और भागने के समय जो बर्ड के जो लीटर रहता है नीचे इनके, वो जो है इनके जो ड्रिंकर है उसमें चला जाता है। तो जब ये लीटर टपक कर चला जाता है उनके ड्रिंकर पे, तो जो उसमें मिक्स हो जाता है और यही जो पानी है वो आपके बर्ड कंज्यूम करते हैं। और यदि फ्रेंड्स आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं देते हैं और आपका बर्ड ऐसा ही पानी पीता रहता है, तो इकोलाई जैसी जो भयंकर पोल्ट्री की डिजीज है वो आपके शेड तक पहुंचने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे अहमियत यही है कि आप इनके ड्रिंकर को अच्छे से साफ़ करें, इसमें जितनी भी चिकनाहट सी रहती है उसको आपको हटाना होता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे बर्ड ग्रो होता है आपको जो ड्रिंकर्स की हाइट पर भी आप अपना फोकस देना होता है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं आपने ड्रिंकर्स की हाइट है वो इतनी ज़्यादा उसको ऊंचा कर दिया है कि आपके बर्ड को उसमें जो है पानी पीने के लिए दिक्कत आ रही हो, या फिर कई बार क्या होता है कि आपने आपके जो बर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं और आपने जो ड्रिंकर की हाइट है उस हिसाब से उसको उठाया नहीं होता, जिससे कि कई बार आपके बर्ड है वो बैठकर पानी पी रहे होते हैं। जो ड्रिंकर की हाइट है वो उनको आपने इतना डाउन किया होता है, तो उनको एक फ्रेंड एक स्टैंडर्ड वैल्यू है उस पर ही सेट करना होता है, जिस पर ना तो बर्ड को पानी पीने में दिक्कत हो और ना ही वो है वो बैठकर पानी पी रहे हों। तो इसके बाद फ्रेंड यदि आपके बैच में बार बार इकोलाई जैसी भयानक बीमारी आ रही है, तो आपको जो है एक बार लेबोरेटरी में आपकी जो पानी की क्वालिटी है वाटर क्वालिटी है वो चेक कराते रहना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सॉलिड ज़्यादा है या कौन कौन से कम है, फिर उस हिसाब से जो है फिर आपको सैनिटाइज़र का सेवन करना होगा। तो इसके बाद फ्रेंड जो पाइपलाइन होती है वो आप चाहें तो एक जो बैच चलता है जैसे कि ब्रॉयलर का बैच है वो 35-40 दिन का रहता है, तो उसमें जो आप एक दो बार पाइपलाइन की साफ सफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि आप अपने बर्ड्स को कितना टाइम देते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, तो जितना आप उनको टाइम देंगे तो उतना ही बर्ड आपको एक अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। तो आप चाहें तो इनकी जो पाइपलाइन है वो बैच में एक दो बार साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो जब आपका बैच पूरी तरह से ख़त्म होता है तो उस टाइम तो ये अनिवार्य होता है कि जितनी भी पाइपलाइन होती है ड्रिंकर्स होते हैं और जो वाटर टैंक होता है उसको अच्छे से साफ़ किया जाए डिसइंफेक्टेंट के साथ। इसके अलावा फ्रेंड जब बर्ड पानी पीता है ड्रिंकर से, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ड्रिंकर के नीचे है वो लीटर काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है। जो ड्रिंकर के पास जो लीटर रहता है उसको अच्छे से उसकी रैकिंग करनी होती है और उस लीटर को जो है आपको अच्छे से बिखेरना होता है कि वो जल्दी से सूख जाए, और बाकी जो पास का लीटर सूखा होता है वो उसको जो है उसके स्थान पर फिर हम बिछा देते हैं, उसको कवर कर देते हैं। तो जो फिर निप्पल टाइप ड्रिंकर होते हैं जिनमें बूंद बूंद करके टपकती है, वो उनमें जहाँ जो समस्या नहीं रहती है वो गंदगी की, तो ये जो बेल टाइप है आप देख सकते हैं कि इनको जो साफ करने के बावजूद भी एक दो दिन के बाद कितनी गंदगी आ जाती है। तो इसको अच्छे से जब भी आप इनकी साफ सफाई कर रहे हो तो ये जूस निश्चित कर लें कि जो इनकी वेस्टेज आप निकाल रहे हैं वो नीचे लीटर पर मत गिरें।
बीच भी आपको अच्छे से जो चिकनाहट रहती है वो दूर करनी होती है, इसको अच्छे से रगड़कर आपको साफ करना होता है। और अपने फ्रेंड ब्रायलर्स को फीड और पानी है उसकी क्वालिटी है वो अच्छी दें, क्योंकि यदि उनके पानी या फिर फीड की क्वालिटी में थोड़ा उल्ट फेर होता है तो उनके डाइजेशन सिस्टम में उनकी पेट की बीमारियां या फिर इकोलाई आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, सन्नी पोल्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप इस पर चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि हम इस पर जो है पोल्ट्री से रिलेटेड आपको नई नई जानकारी लाते रहते हैं कि कैसे हम ब्रायलर्स की पहले दिन केयर करते हैं, फिर इनकी जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको देते रहते हैं कि कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं अपने बैच के लिए, और साथ ही आपको हम जो है फीड के रेट है वो बताते रहते हैं, और जो चिक्स डालते हैं वो कौन सी क्वालिटी का डालते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो ये सभी जानकारी है वो सन्नी पोल्ट्री आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहता है। तो सन्नी पोल्ट्री के साथ जुड़े रहें, सन्नी पोल्ट्री को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।